हेलो एवरीवन, आपका छोटू भाई फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में हम लोग पांचवा क्वेश्चन को देखेंगे, पहला से लेकर चौथा क्वेश्चन को पिछले वीडियो मैंने डाल रखा है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक पाँचवा देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक पाँचवा क्या बोलता है देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया हूँ और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है 1 cos θ - cosec θ ((1 tan θ + sec θ) = 2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस त्रिकोणमिति का मैंने अलग से फॉर्मूले का वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप लोग जरूर ही देख लेना ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाइयों, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इजली तरीके से आंखें मूंद कर बनेगा आप लोगों से। ठीक है, यदि आप लोगों को फार्मूला पता होगा तब। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देरी न करते हुए। तो यहाँ पर एक बार लेफ्ट हैंड साइड को लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया है 1 cos θ - cosec θ ((1 tan θ + sec θ)। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ। इसी लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग आर हैंड साइड 2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं फार्मूला को एक बार लिख देता हूँ और इसमें पुट करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और आप लोगों को फार्मूला भी याद होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 cos θ आया, तो cos θ का फार्मूला मैंने वीडियो में बताया है और आप लोग याद भी किए होंगे। cos θ इक्वल होता है cos θ / sin θ होता है। ठीक है भाइयों, अब यहाँ पर cosec θ का भी फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। cosec θ इक्वल होता है 1 sin θ। ठीक है, इसी तरह से देखो यहाँ पर tan θ भी आ गया, इसका भी फार्मूला होता है। फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, tan θ इक्वल sin θ / होता है cos θ। ठीक है, यहाँ पर sec θ भी आया, तो sec θ इक्वल होता है 1 cos θ। जितने भी इस फार्मूले जो मैं लिखा हूँ इस क्वेश्चन में इसको रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में इस फार्मूले को रख देते हैं और नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 1 प्लस, देखो cos θ का फार्मूला यहाँ पर लिखा हूँ, उसी फार्मूले को पुट करो, cos θ / sin θ। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह दिया है, फिर cosec θ का फार्मूला मैं यहाँ पर लिखा हूँ, उस फार्मूले को यहाँ पर पुट करो, 1 sin θ। ठीक है भाइयों, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, इंटू 1 plus tan θ का फार्मूला होता है sin θ / cos θ। ठीक है, प्लस sec θ का फार्मूला 1 cos θ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, मैंने केवल यहाँ पर फार्मूले को रखा हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को शायद तक थोड़ा से नवी क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो और अच्छे से बनेगा यह क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा, LCM लेकर बनाएंगे, लघुत्तम समापवर्ती। तो इसमें लघुत्तम LCM आ जाएगा sin θ। ठीक है, तो sin θ का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो ये आ जाता है sin θ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो sin θ और sin θ से मैं कट गया। ठीक है, कट गया, एक बार से कटा, एक का गुणा cos θ के साथ करेंगे तो ये आ जाता है cos θ। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह को रखो, यहाँ पर भी sin θ है, अंश में है, उसको लिख दो 1। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, ये कोष्टक 1 इंटू में दिया है। ठीक इसी तरह से जैसे इसको सॉल्व किए हो वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो LCM आएगा वो आ जाता है cos θ। ठीक है, यहाँ तक, फिर cos θ का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो 1 के साथ करने पर आ जाता है cos θ। फिर यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन को रखो, फिर इसी तरह से cos θ कैंसिल, 1 बचा, 1 का गुणा sin θ के साथ, तो ये आ जाता है sin θ ही। अब यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही लिखो। ठीक है, फिर ये cos θ का भाग देंगे तो ये कट गया,
आ जाता है वन। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूले का यूज होता है। उस फार्मूले का यूज कैसे होता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को उस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको अलग से कोष्टक में मैं लिख दिया। फिर यहाँ पर माइनस वन को मैं बाहर में रख दिया। फिर इन दोनों को एक बड़ा कोष्टक में रख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अलग से कोष्टक में, माइनस वन को बाहर में। फिर इन सभी का अपान जो है वो साइन थीटा है, याद है? क्लियर है? इनटू में दिया है। ठीक इसी तरह से इसको भी लिखना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। या फिर इसको एक काम करो, आप लोग प्लस में है तो इसके क्रम को आप लोग बदल सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्रम को बदलते हुए लिख रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा को पहले लिख दिया, फिर कॉस थीटा को बाद में लिख दिया। इसको एक कोष्टक में लिख देता हूँ, ठीक है, इसको अलग से कोष्टक में, और प्लस वन को बाहर में लिख दिया। फिर इन दोनों को एक बड़ा कोष्टक में रख दिया। अपान में दिया है कॉस थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है? आप लोग यहाँ तक नोट कर लो, पेन और कॉपी लेकर बैठे हो तो, ये यदि नहीं बैठे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होता है, बीजगणित का फार्मूला यूज होता है। बीजगणित का फार्मूला क्या बोलता है, यहाँ पर एक बार फार्मूला को लिख देता हूँ बीजगणित का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है यह फार्मूला? याद है ना? इसका फार्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसी फार्मूले का यूज इसमें होने वाला है। आप लोग गणित पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में सभी प्रकार के फार्मूला घूमना चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए इस फार्मूले का यूज कैसे है इसमें, तो इतना तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऊपर को मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पर रिलेट कीजिए इस फॉर्मूले से। देखो इसको मैं मानता हूँ, इस पूरे को मैं ए माना। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए माना, तो ए और वन को मैं बी माना। वन को क्या माना, बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फार्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को क्लियर है भाइयों? तो इसी फार्मूले को इसमें यूज करना है। तो इसका फार्मूला क्या बोलता है, देखो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरे का वर्ग, यही तो ए का वैल्यू है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फार्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग, क्लियर है? फिर फार्मूले में होता है माइनस, तो यहाँ पर कीजिए माइनस। अब यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, क्या है, वन है, तो बी का वैल्यू का वर्ग करते हैं, बी का वर्ग मतलब एक का वर्ग। यहाँ तक क्लियर है? हाँ ठीक है। अब अपान में देखिए, अपान में क्या क्या दिया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी को लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब अगला देखिए। अब अगला फार्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यह भी बीजगणित का ही फार्मूला है। आप लोग इसको अधिकतर सभी लोगों को पता होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको अधिकतर सभी को इस फार्मूले को याद रहता है। ठीक है, इसी फार्मूले को इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू है साइन थीटा और बी का वैल्यू है कॉस थीटा। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको चलिए रखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। तो इसका वैल्यू हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू, बी का मान कॉस थीटा है और ए का मान साइन थीटा है। इसी फार्मूला में इसको यूज करके रखना है। ठीक है,
तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 2 ए बी जैसा, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी का वैल्यू है कॉस थीटा, तो कॉस का हो जाता है वर्ग, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, माइनस रखिए, और 1 का वर्ग होता है 1। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अपान, अपान में क्या दिया है, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये पूरा फार्मूला के बेस पर इसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और फार्मूला का यूज होता है, पूरा त्रिकोणमिति फार्मूला से भरा है। आप लोग फार्मूले को जितना याद रखोगे उतना ही इजीली तरीके से ये बनता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1, तो इसका वैल्यू 1 होता है तो पुट कीजिए, ठीक है। इसके जगह में किसको रखना है, 1 को, तो रखते हैं, चलिए 1 रख दिया। फिर प्लस इसको लिखना पड़ेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ तक क्लियर। प्लस सॉरी इसको रख दिया, अब बचा माइनस 1, माइनस 1 को भी लिख दिया। अब पान में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है, आराम से समझिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसके जगह में 1 रखा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक यहाँ तक। फिर ये माइनस 1 को रखा, अब पान में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसको थोड़ा से एक लाइन को और रब करना पड़ेगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, ये दोनों तो आराम से कट गया, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप जो बचा है उसको लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आ गया ना यहाँ तक। अब देखिए भाग है, यहाँ पर क्या है जी, भाग है, तो भाग में जो सेम जो रहता है वो आपस में कट जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा को काट देगा, कॉस थीटा को काट देगा। अब बचा क्या, केवल यहाँ पर 2 बचा, केवल क्या बचा, 2 बचा। और इसी को क्या करना था, हमें प्रूफ तो करना था। यहाँ पर देखिए हमने बहुत ही आसानी तरीके से राइट हैंड साइड को क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है भाइयों। यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले, इस क्वेश्चन को अच्छे से बना सके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।